हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरे घर पे क्या क्या मेरी मम्मी सब्जी लगाई हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोग देख पाएंगे कि मेरी मम्मी घर पर क्या क्या सब्ज़ी लगाई हैं। तो मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊँगी उस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाऊँगी कि धनिया मेरी मम्मी कहाँ पर लगाई हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ वहाँ पर। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर मेरी मम्मी धनिया लगाई हैं। देखिए, इतने दूर में है, ये धनिया का पेड़ है, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अगर मैं इसको एक पेड़ उखाड़ लूँगी ना, तो 10 दिन उसको मैं खाऊँगी, काट लूँगी तो बहुत बड़े बड़े धनिया हो गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर धनिया लगाई हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और दोस्तों, ये जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये आपको, ये पीछे की साइड, ये जो है, ये है पोई का साग। आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये अक्सर गांव में ही मिलता है, तो इसको बोलते हैं पोई का साग। और ये जो है, ये यहाँ पे ये है टमाटर। ये मम्मी मेरे टमाटर लगाई हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वो जो बांस के उधर दिख रहा है, ये कहाँ पे, वो जो उधर जो लकड़ी रखी हुई है उसके उस साइड जो है, वो है परवल का पेड़। तो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, दीवार पर चढ़ गया था, तो इस वजह से मम्मी उसको कटवा दी थी। और फिर से इसका सीजन आ गया है, तो इस वजह से अब वो फिर से हो रहा है। तो वो साइड में एकदम जो छोटा छोटा उधर दिख रहा है, ये है पोई का साग। और ये है टमाटर और वो है परवल। ये जो दिख रहा है, ये परवल है। और मैं आप लोग को दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी, एक मिनट रुकी रही बस। तो ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे वो दिख रहा है बैंगन का पेड़ है। और सबसे आगे जो दिख रहा है, सबसे आगे वहाँ पे है मिर्चा का पेड़, जो भरा मिर्चा होता है, मोटा वाला, जो रेड कलर का होता है भरने वाला। तो वहाँ पे मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे बाहर सब लोग, मतलब दिखता है बाहर से, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। और यहाँ अंदर से मैं आप लोग को दिखा दिया, आप लोग ये जान गए ना क्या है। तो ये पोई का साग और ये है टमाटर। और वो उधर, ये कहाँ गया, ये है परवल का पेड़ है। आप लोग देखे होंगे कि नहीं, लेकिन मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो दोस्तों, इतना सब कुछ सब्जी मेरी मम्मी घर पे लगाई हैं। तो अभी परवल तो नहीं हो रहा है, लेकिन पोई का साग है और टमाटर थोड़ा बहुत निकलता रहता है। और धनिया का तो इफरात है मेरे घर में, जिसको चाहिएगा आ जाना मेरे घर पर, मैं दे दूँगी धनिया। देखिए फ्रेंड लोग, कितना हरा हरा, कितना अच्छा अच्छा धनिया है। और हम लोग को खेत नहीं जाना पड़ता, इसी में से मैं तो बना लेती हूँ। हमारी मम्मी दो दो सिर पे क्या रखी ये रखी है गाय एक नहीं, दो दो रखी हैं। ये दोनों गाय है और ये, और क्या दिखाऊँ, यहाँ पे मतलब, यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे नलका था, तो यहाँ पे उखाड़ दिया गया है नलका, वो बाहर लग गया है। और मैं किचन दिखाती हूँ अपना। तो ये है मेरा किचन, ये है किचन। आइए किचन में भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये है मेरा किचन, छोटा सा है पर जैसा भी है, मेरा घर अपना अपना अच्छा होता है। तो ये है मेरा किचन है और यहाँ पे ये सब सामान रखा हुआ है। तो और मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये है गाय का जो सब कुछ खाना पीना रखते हैं, गाय का जो सब भूसा वूसा है उसका, ये वाला रूम है। आप लोग देखिए, ये यहाँ पे बालने वाली मशीन है, आप लोग को दिख रही होगी। और यहाँ पे ये गन्ना का वो जो सब पत्ती उत्ती होता है, वो तोड़कर आया है। और मैं अपना, ये है मम्मी का रूम है और ये वाला मेरा रूम है। तो आप लोग को मैं अपना सारा घर दिखा दी। और ये देखिए, पूरा इतना बड़ा गलियारा है पीछे, ये पूरा गलियारा है। तो दोस्तों, अभी घर बना नहीं है, लेकिन बनने वाला है भगवान की दुआ से, आप लोग कृपा से। आप लोग बस दुआ कीजिए, मेरा घर जल्दी से बन जाए, बनने वाला है जल्दी ही। तो जब मेरा पूरा घर बन जाएगा, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और इतना बड़ा घर है मेरा, लेकिन अभी बस ये रूम बना है और एक ये रूम बना है, इसमें ताला बंद है, और एक ये रूम है, और एक जो गाय वाला दिखाई हूँ उधर, ये वो रूम है। इधर का सारा हम लोग का है, जो ये सब है, ये सब भी हम लोग का है।
तो अभी यहाँ पर कुछ मतलब बस सब्जी उब्जी लगाया जाता है, तो इसलिए इसको खाली छोड़ा गया है। और गाय वहाँ पे बाहर रहती है, इधर सब्जी लगा है, तो और कुछ भी सरसों वरसों आता है या गेहूँ चावल कुछ भी आता है बाहर से, तो उधर ही साइड रखा जाता है, उधर ही पीटते हैं। तो मैंने आप लोग को सारा अपना घर दिखा दिया, तो इसको प्लीज़ अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।